हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि हिंदी में होंगे। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जिस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकता है। आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपके आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मोटिवेटेड होते रहें हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर देखते हैं आज के इस वीडियो में हमने किन किन क्वेश्चन को शामिल किया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है स्पायरोगायरा में, नॉस्टॉक में, या फिर यूलोथ्रिक्स में, या फिर वॉल्वॉक्स में। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नॉस्टॉक में। नॉस्टॉक में क्यों होता है? क्योंकि नॉस्टॉक क्या है, एक नीला हरा शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं हम टेक्निकली, साइनोजीवाणु। इनका क्या रीज़न है? ये है प्रोकैरियोटिक, जिनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। और किंगडम मोनेरा के अंदर आपने याद रखना है, कभी भी लैंगिक जनन नहीं होता है, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पर क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा, वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं होता है, जायगोट नहीं बनता है, वहाँ पर लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ क्या दे रखा है, नॉस्ट्रॉक, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लुएंजा विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है, उसका अनुवांशिक पदार्थ पूछा है, तो उसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको मेमोराइज करना होता है, अपने ध्यान रखना होता है, किसके लिए कौन सा आपका अनुवांशिक पदार्थ होगा। जैसे कि आपने मुझे बताना है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, जीवाणु भोजी जो होता है, उसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन में शैवाल व कवक के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कवक, कवक के बारे में बताता है, शैवालों के लिए सुरक्षा आसंजन तथा अवशोषण प्रदान करता है, शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है, शैवाल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है, शैवाल के लिए ऑक्सीजन मुक्त करता है। देखो, लाइकेन क्या होता है आपको मैं बता देती हूँ। लाइकेन में होता है शैवाल और कवक जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, मतलब इनको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये जो है अलग अलग दो जीव हैं, इतना घनिष्ठ संबंध होता है इनके बीच में। तो उसमें क्या होता है, शैवाल जो होता है, शैवाल क्या है, शैवाल हमारा क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब स्वयंपोषी होता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, भोजन बना सकता है, तो वो क्या करता है, उसके लिए उसको भोजन प्रदान करता है। जबकि उसमें कवक जो होता है, वो कवक क्या करता है, शैवालों के लिए सुरक्षा आसंजन तथा अवशोषण प्रदान करता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइकेन जो होते हैं ये प्रदूषण के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर ये नहीं उगते हैं, स्पेशली अगर किसी का प्रदूषण बोले तो SO2 के प्रदूषण में ये बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं उगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन शैवालों तथा कवकों का सुप्रसिद्ध संयोग है जिसमें कवकों का होता है। तो देखिए, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध का मतलब होता है, यहाँ पर सहजीवी संबंध से मतलब है कि मतलब एक जीव से दूसरे जीव को फायदा होगा, मतलब दोनों जीव एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा कर रहे होंगे, दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई लाभ होगा। यहाँ पर होता है ना, शैवाल उसके लिए खाना बनाता है, कवक क्या करता है, उसको पोषण अवशोषण वगैरह ये सब चीज़ें करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण के संदर्भ में लाइकेन का निम्न में से कौन सा उपयोग है? ये प्रदूषण बढ़ाते हैं, ये प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ये प्रदूषण जल का उपचार करते हैं, ये प्रदूषण के लिए जैव सूचक का कार्य करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लाइकेन वहाँ पर नहीं उगते हैं जहाँ पर प्रदूषण होता है। अधिकांश लाइकेन बने होते हैं, अगर हम देखें कि लाइकेन, शैवाल भी तीन तरह के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल। तो अगर हम देखें कि शैवाल मुख्यतः कौन सी श्रेणी से होते हैं, तो जो लाइकेन में शैवाल होते हैं वो हरे शैवाल से होते हैं। ऐसे इसी तरह से आपकी कवक जो होती हैं उनकी भी कई सारी क्लास होती हैं, तो वो कौन सी से होते हैं, एस्कोमाइटिसिस से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये बहुत तीव्र वृद्धि करते हैं, ये कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, इनकी कुछ प्रजातियां रेंडियर द्वारा खाई जाती हैं, ये प्रदूषण सूचक होते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एकदम करेक्ट है, तो हमने गलत बताना है, मतलब है ये बहुत तीव्र वृद्धि करते हैं, ये हमारा इसके लिए गलत हो गया, क्योंकि ये बहुत धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सा जीव या जीवों के युग्म को इनका सही वर्गीय समूह दिया गया है? यीस्ट ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त होता है, यह एक कवक है।
नॉस्टॉक तथा एनाबिना प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम समान जगत से संबंधित हैं जो कि पेनिसिलियम का जगत भी है। लाइकेन शैवाल का तथा प्रोटोजोअन के सहजीवी सहबा से निर्मित एक संयुक्त जीव है। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यीस्ट ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त होता है जो कि है एक कवक है। बाकी में देखिए नॉस्टॉक और एनाबिना क्या है, प्रोटिस्टा के उदाहरण है जो कि गलत है। ये किसके हैं, मोनेरा के उदाहरण है। पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम समान जगत से संबंधित हैं जो कि पेनिसिलियम का जगत भी है। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम तो समान जगत से संबंधित हैं लेकिन यहाँ पर क्या है, पेनिसिलियम एक कवक है जो कि एक अलग कवक है, अलग जगत है में है। लाइकेन शैवाल तथा प्रोटोजोअन के सहजीवी सहवास से निर्मित होता है जो कि गलत है। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी सहवास से निर्मित एक संयुक्त जीव है। इसके लिए एक सही ऑप्शन हमें चूज करना था, तो सही ऑप्शन है हमारा यीस्ट जो है वो ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त होता है, यह एक कवक है। नेक्स्ट देखते हैं, टियो डेनर ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने की थी स्वतंत्र संक्रमणकारी आरएनए की। मेड काउ का रोगजनक है, मेड काउ का जो रोगजनक होता है वो प्रियॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम प्रायः नहीं पाए जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है विषाणुओं में जो होता है एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विषाणु जीवित हैं क्योंकि ये देखिए विषाणु जो होता है उनको जो पांच जगत वर्गीकरण दिया था आरएच ब्यूटेकर ने, कौन से ईयर में दिया था ये आपने मुझे बताना है, तो उन्होंने इनको किसी भी जगत में नहीं रखा है, ये अलग से है क्योंकि इनमें क्या होता है कोशिकीय स्तर नहीं होता है, ये अकोशिकीय जीव है। इनको जीव हम इसलिए जीव भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये अकोशिकीय हैं, इनको जब कोशिका ही नहीं है तो जीव हम नहीं कह सकते। तो क्या है इनके अंदर क्या होता है, इनको जीवित के लक्षण भी देखे जाते हैं और निर्जीव के भी देखे जाते हैं, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको जीव सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी मानते हैं। मतलब इनमें अगर देखा जाए कि इनको जीवित क्यों कहेंगे, तो क्योंकि ये क्या करते हैं कि परपोषी कोशिकाओं में गुणन करते हैं, इसलिए इनको जीवित कोशिकाओं जीवित माना जाता है, ऐसा माना गया है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे हम पादप जगत के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। इसको आपने अच्छे से देखना है, इस वीडियो को भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है, और आपने जो मैंने प्रीवियस जो दे रखी है एक और वीडियो दे रखी है उस वीडियो को भी अच्छे से समझना है। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इन वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।